नवीन भाई, बीजेपी ने आज महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ वाशी के छत्रपति शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने यहां पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर हल्ला बोल करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार सिडको और नगर विकास मंत्रालय के जरिए नवीनबई को बेचने पर तुली है। संजीव नाइक ने कहा कि जिस तरह यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री और तानाशाही कामकाज चल रहा है, इससे देश की नंबर वन सिटी बर्बाद हो रही है। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व मेयर सागर नाइक और युवा नेता निशांत भगत ने भी जमकर यहाँ नारेबाजी। देखिए रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए आज बीजेपी नेताओं ने नवीनबई के वाशी में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ सरकार, सिडको और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक और सुधाकर सोनावने एवं युवा नेता निशांत भगत खास तौर पर मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार और मंत्री एकनाथ शिंदे सिडको भूखंडों की बिक्री के जरिए नवीनबई को बेचने में जुटे हैं। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि आघाड़ी सरकार के मंत्री और नेता जमीन बेचकर चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। वहीं यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले युवा नेता निशांत भगत और बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार देश की नंबर वन सिटी नवीनबई को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन बीजेपी और नवीनबईकर ऐसा कभी होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि निषेध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आइए सुनाते हैं बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ कहा। इस शहर के आने वाले आबादी के लिए जो हमने डीपी प्लान रखा है, बिना किसी को पूछे 500 मीटर के ऊपर के पूरे जितने भी प्लॉट्स है बेचने का आदेश नगर विकास खाता इन्होंने दिया है। हम निषेध करते हैं और निषेध के लिए यहाँ आए हैं कि ये दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये जो प्लॉट बेचकर आने वाले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा ये जाहिर आरोप है और ये हम होने नहीं देंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये और आंदोलन हुआ है, आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तीव्र होगा। माननीय गणेश जी नाइक साहब हो, आमदार मंदाताई मात्रे हो, ये विधानसभा में इस चीज़ को उठाएंगी और मैं पूरी बात आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम भंडाफोड़ करेंगे कि जो दलाल इस शहर के प्लॉट बेचने के लिए उतरे हैं, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, अरे अलग अलग जो चीज़ है, हमारे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा है, युवा साथियों के लिए रखा है, हमारे जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए रखा है, गार्डन हो, स्कूल हो, ये सब प्लॉट बेचने के लिए लगा है। एक ही रातों रात में इस शहर को बेचना चाह रहे हैं, ये हम उन्हें थाना भेज दिया, अब नवीनबई नहीं बेचने देंगे और इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। आने वाले भविष्य में ये आंदोलन तीव्र करेंगे। नगर विकास मंत्री का विरोध नहीं कर रहे, उनके पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है कि 500 मीटर के ऊपर के प्लॉट आरक्षित नहीं करना है। तो आरक्षित अगर नहीं करना है तो इस नवंबर शहर में आज 14-15-16 लाख लोग बस्ती रह रहे हैं, नए नए प्लॉट्स ये लोग टेंडर के माध्यम से नए नए टावर बन रहे हैं और पब्लिक आएगी, आवास योजना के तरफ से 15,000 घर और बन रहे हैं और ये सारे लोग आएंगे, लोग बढ़ेंगे, लोग बस्ती बढ़ेंगी, तो उनके लिए स्कूल चाहिए, मैदान चाहिए, गार्डन चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल चाहिए, ये कहाँ से लाएंगे? अगर 500 मीटर के ऊपर के जो प्लॉट आरक्षण के लिए जो जगह जगह पे महानगर पालिका ने फिक्स किए हुए है, सिडको से विनती की हुई है कि ये सारे प्लॉट आरक्षित किया जाए और उस आरक्षित किया हुआ डीपी प्लान में सारे कुछ हो रहे, सब फाइनल होने के बाद अगर पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री उसको रोकता है और सिडको को कहता है कि इसके ऊपर के प्लॉट आरक्षित न करे, ये बिल्डरों के मुंह में डाल दे, तो बिल्डर उसका ऐसा उपयोग करे कि जिससे ये न्यू बॉम्बे दूषित होवे, जिससे न्यू बॉम्बे में तकलीफ होवे। अगर हमको इस शहर को अच्छी तरह बनाना है, अच्छी तरह रखा हुआ है, इस शहर को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ न सिर्फ इस नवंबर के नागरिक को तकलीफ देने का काम ये माँ आघाड़ी सरकार कर रही है। तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी साहेब यांनी पत्र दिलेलं होतं की आम्ही आमचा स्वतःचा विकास आराखडा तयार करायला घेतलेला आहे, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं भूखंड विकू नका किंवा विकायचं असल्याशिवाय आमची संमती, विकायची असल्यास आमची संमती घेतल्याशिवाय तुम्ही विकू नका। आणि अशा परिस्थितीमध्ये सिडकोने
प्लॉट विकायला सुरुवात केली आणि जवळजवळ ते 3-3 करोड 300-300 करोडाला भूखंड विकण्याची सुरुवात केली. 25 वर्षाचं काही विचार यांना पडलेला नाही आहे. 25 वर्षाचं नियोजनाशी यांना काही देणं घेणं नाही आणि म्हणून नगर विकास खात्याचे मंत्री यांनी शिडकोच्या माध्यमातून भूखंड विकून पूर्ण नवी मुंबई विकायला काढलेले आहे. ज्या शहराचं नेतृत्व आजपर्यंत ज्यांनी केलं ते ठाण्यामध्ये ज्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे, कल्याण भिवंडीमध्ये ज्यांनी नेतृत्व केलं, कल्याण डोंबिवलीमध्ये ज्यांनी नेतृत्व केलं, उल्हासनगरमध्ये ज्यांनी नेतृत्व केलं, त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं प्लॅनिंग नाही. आणि ज्या शहरामध्ये प्लॅनिंग आहे त्या प्लॅनिंगचा धज्जा कसा उडवायचा आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी नगरविकास खात्याचे मंत्री शिडकोच्या माध्यमातून नियोजित शहराचा भकास करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे आणि त्याचा निषेध आम्ही या ठिकाणी व्यक्त करतो. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.